भावलोक द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 में हम फॉल ऑफ इरेगियन देख ही रहे हैं, जहां के लॉर्ड कैलिब्रिम्बोर हैं और उसकी एंड उसके पूरे राज्य की धज्जिया सौरॉन उड़ा रहा है। तो आज जानते हैं कि कैलिब्रिम्बोर के बारे में, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री एंड व्हाई कैलिब्रिम्बोर इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज। तो बाबा, कैलिब्रिम्बोर का जन्म अमान महाद्वीप में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीज। इस द्वीप में वेलिनोर और एल्डमार राज भी थे। इसके पिताजी का नाम करूफिन था, जो फिनार के 7 बेटों में से एक है, और इन 7ों में से करूफिन को क्राफ्टमैनशिप में काफी इंटरेस्ट और अच्छी महारत हासिल थी, जो कला कैलिब्रिम्बोर के पास में भी आई जेनेटिकली। तो बाबा, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में भी दिक्कत है, क्योंकि इनके नाम भी बड़े आ रहे थे, अच्छे होते हैं, करूफिन है या करफिन है, वो आप देख लेना, मैच कर लेना बाबा। बात फर्स्ट एज की करें तो कैलिब्रिम्बोर का यहाँ वहाँ भटकते भटकते ही हो गया था, और इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था फर्स्ट एज में। आफ्टर द डार्कनिंग ऑफ वेलिनोर, मतलब वेलिनोर की जब तबाही हुई थी, वो हमने द रिंग्स ऑफ पावर वेब शो में भी देखा, कैलिब्रिम्बोर और उसके पप्पा मिडिल अर्थ को आ गए। बाकी एल्फ्स ये अलग रह रहे थे, शुरू में काफ़ी भटके, जिसमें से ये भी कहा जाता है कि जब मिडिल अर्थ को ये लोग आ रहे थे, तब इन्होंने एक जहाज भी चोरी किया था और अलग निकल गए थे। देन उसके बाद जब मॉर्गोथ ने एंगबैंड की जेल को तोड़कर बाहर आया और उसने द रैल्म ऑफ हिमलेड, जहां ये शरण लेकर रह रहे थे, मॉर्गोथ ने डिफीट करा, यानी उसे भी तबाह किया। फिर से ये भागे वहां से और वहां पर फिर शरण ली है इन्होंने फिनरॉड फेलागंड की सत्ता। अजीब नाम है, जो भी हो देख लेना भाई, फेलागंड ही है कि फेलागुंड है, क्या है वो वाला नहीं है, गलत नहीं सोचना। फिनरॉड फेलागंड की सत्ता यानी नारगोथरोंड में। इस बंदे के बारे में बताऊं तो ये बंदा सबसे बड़ा भाई था गैलेड्रियल का। कौन? फिनरॉड फेलागंड। जब नारगोथरोंड में इन्हें शरण दी गई, तब कैलिब्रिम्बोर का बाप और उसका चचा वहीं के लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल गया। सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, यानी कूटनीतियां चलने लगे, और इस छल कपट के कारण उन्हें वहां से भगा दिया गया। और इस इंसिडेंट के बाद कहते हैं कि कैलिब्रिम्बोर भी अपने पिताजी से अलग हो गया, क्योंकि वो इरादे उनके नेक नहीं थे और इस इरादे से वो खुश नहीं था। एंड रेस्ट पार्ट फर्स्ट एज में कहाँ था कहाँ नहीं था, नोबडी नोज, उसके बाद किसी को नहीं पता कैलिब्रिम्बोर का। देन सेकंड एज स्टार्ट होता है, और ये एज कैलिब्रिम्बोर के लिए खास था, जहां से एक से बढ़कर एक कलाकारी कैलिब्रिम्बोर ने दिखाई। इरेगियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और पावरफुल रिंग्स बनाई गई, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी कहा गया। इस बीच कैलिब्रिम्बोर ने नॉल्डोर से बाकी निकाले गए एल्फ्स को मिलाकर इरेगियन की स्थापना करी, जो खाजा दूम की पहाड़ियों के पास में था, जहां लॉन्ग बियर्ड ड्वार्फ्स रहते थे, जो हम शो में भी देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन पहाड़ियों में मिथ्रिल मिलता था। कैलिब्रिम्बोर की हाई डिप्लोमेसी के कारण जल्द ही ड्वार्फ्स के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई, यानी इरेगियन की भी दोस्ती होगी, जिसका खास दोस्त था नार्वी द ड्वार्व। और कहा जाता है कि ड्यूरिंस के लिए जो मेन गेट था वो नार्वी ने बनाया था, जिसपे शिल्पकारी कैलिब्रिम्बोर ने करी थी बहुत अच्छी तरीके से। इसी बीच कैलिब्रिम्बोर की दोस्ती गैलेड्रियल के साथ भी हुई, और अपनी क्राफ्टमैनशिप और अच्छी गहनों की कलाकारी के कारण उसका दर्जा उसके दादा फियोनोर के बाद दूसरे नंबर पर दिया जाने लगा, और इन सभी खूबियों के साथ उसे इरेगियन का लॉर्ड भी बना दिया गया। देन तभी होती है सौरॉन की एंट्री, जिसने पहले अप्रोच करी लिंडन में एंट्री करने की, लेकिन नॉल्डोर हाई किंग यानी गिलगैलेड ने पूरी सत्ता में इसे कदम तक रखने नहीं दिया, वहां से बर्खास्त कर दिया, जो एनाटार का भेष में आया था, यानी खुद को एनाटार करके रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन था वो सौरॉन ही। तब ये इरेगियन को आता है, वहाँ भी बाकी एल्फ्स ने सौरॉन को नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन कैलिब्रिम्बोर को दुनिया में अपनी कलाकारी का डंका बजाना था और फियोनोर से भी ऊपर का दर्जा लेना था, क्योंकि वो अपने निकाले जाने का बदला भी चाहता था, और उसने सौरॉन की एंट्री दे दी कहाँ, इरेगियन में। और नो डाउट सौरॉन के इंस्ट्रक्शन से कैलिब्रिम्बोर ने बहुत तरक्की करी, बहुत नाम कमाया, जहाँ उन्होंने रिंग्स ऑफ पावर का भी निर्माण किया, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती हुई, ग्रीड एंड लालच, जल्दी ही ग्रो करने के लिए भाई इसने अपने आप को तबाह किया, इरेगियन को भी तबाह किया। लेकिन द रिंग्स ऑफ पावर वेब शो की बात करें तो एनाटार उर्फ सौरॉन की एंट्री कुछ अलग अंदाज में दिखाई गई थी, जो बुक से थोड़ा चेंज है, क्योंकि वो ग्लाड्रियल के साथ एंट्री लेते हुए आता है इरेगियन में। एंड रेस्ट पार्ट वी नो दैट, जो हम सीजन 2 में भी देख ही रहे हैं। देन आता है फॉल ऑफ इरेगियन। जैसे कि हमने द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 में देखा, सौरॉन एनाटार के भेष में कैलिब्रिम्बोर को कैसे अपने जाल में फंसा लेता है, क्योंकि कैलिब्रिम्बोर उसके स्टार्टिंग इंटेंशन से पहले अनअवेयर था। हालांकि इस बीच उन्होंने रिंग्स बनाने पर पूरा फोकस किया, यहां भी बुक से हल्का चेंज किया है मेकर्स ने, पहले 3 रिंग्स बनाई गई, पर बुक में दिया गया है कि इन 3 रिंग्स में सौरॉन का कोई हाथ नहीं था, लेकिन हमने फर्स्ट सीजन में देखा सौरॉन भी इन 3 रिंग्स बनाने के टाइम पर मौजूद था। खैर, बाद में 7 रिंग्स बनाई गई, जिसमें बहुत हद तक सौरॉन का करप्शन ऐड नहीं है, क्योंकि यहां तक उनके पास भरपूर मात्रा में मिथ्रिल था। लेकिन जो लास्ट की 9 रिंग्स बनाई गई, जो हमने शो में भी देखा, टोटली सौरॉन के खून यानी काले जादू से बनाई गई। इसलिए जब ये मॉर्टल मैंस को ये रिंग्स बांटी जाती हैं, तो वो मॉर्टल मैंस
सौरों उनके कब्जे में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और हाई कंट्रोल में रहते हैं, और यही मेन सिपाही कहे जाते हैं अपने सौरों भाई के। लेकिन सबसे कम असर एल्वन रिंग में ही देखने को मिलता है, लेकिन एट दी एंड कैलिब्रिम्बोर को सौरों के इरादे पता चल गए थे, जो हमने शो में भी देख ही लिया है। और एट लास्ट उसने विरोध करना चाहा, किसने, कैलिब्रिम्बोर ने सौरों का, जहां सौरों ने उसे बहुत हद तक डैमेज करना शुरू कर दिया। नाउ वी आर टॉकिंग विद द हेल्प ऑफ शो, जहां नाइन रिंग्स ग्लैडियर लेकर भाग चुकी है, और आगे बुक में सौरों कैलिब्रिम्बोर को बहुत टॉर्चर करेगा और कैलिब्रिम्बोर मरा हुआ पाया जाएगा। एंड शो में ऑक्स ने इरेगियन में एंट्री ले ही ली है, जो उसे पूरी तरीके से तबाह भी कर देंगे, और यहाँ कैलिब्रिम्बोर और इरेगियन की कहानी हो जाती है खत्म अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन शो में 8th एपिसोड में देखते हैं बाबा मेकर्स भी इरेगियन की पूरी कहानी खत्म करते हैं या नहीं करते हैं, या कुछ चेंज कर दें, क्योंकि हो सकता है प्रिंस ड्यूरिन ड्वार्वन आर्मी लेकर पहुंच जाए, और जब ड्वार्वन आर्मी आ जाएगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल ही सकता है। तो देखते हैं बाबा 8th एपिसोड में क्या होता है, 3rd अक्टूबर के लिए वेट करते हैं। बाकी ये थी कैलिब्रिम्बोर की कहानी, जो मेन मेन पॉइंट थे वही कवर किया है, और भी बहुत कुछ था। बाकी वर्डिंग प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है इनकी, कौन सी जगह कैसी है भाई, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी बाबा नीचे कमेंटों से जरूर बता के जाना, और अपना सपोर्ट यूं ही दिखाते रहना, क्योंकि यहां तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई ही होगी। तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस चैनल पर बाबा गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से रिलेटेड भी बातें चलती हैं, मार्वल से रिलेटेड भी बातें चलती हैं, जो अभी मैं कुछ टाइम बाद नल की एंडिंग पे वीडियो भी लाने वाला हूं। इसलिए हो नए तो जुड़े रहो, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।